रजम किए हुए शैतान मर्दूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन, अपने औलादों को अगर चाहते हैं कि कुछ बने तो उसे घर में कभी डांटना नहीं चाहिए। घर से आप तालीम क्या दें? 96 नंबर सूरह अलालक के पहले 5 आयतों की रोशनी में अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, तू पढ़ तेरे रब के नाम पे जिसने खलक किया। खलक अल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को अलग से खलक किया है। इकरा व रब्बुक अल अकरम, तू पढ़ तेरे रब करम करेगा, सबसे ज्यादा करम करेगा। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जो कलम के जरिए तालीम देता है। अल्लमा अल इंसान मा लम यालम, इंसान को तालीम देता है जो इंसान नहीं जानता। इसलिए कि रहमान का काम क्या है? 55 नंबर सूरह रहमान, इसकी पहली 2 आयतों में हम देखते हैं, अर रहमान व अल्लम अल कुरान, खास मेहरबान कुरान सिखाता है। ये कुरान जो है इसमें फैसला आपको सिखाएगा, किस तरह से आपको जज बनना है। जज बनने के लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, ब्रिटिश जाने की जरूरत नहीं। मुस्लिम जज, 5 नंबर सूरह अल माईदा, इसके 45 नंबर आयत की रोशनी में कुरान से सीख सकता है। 2 नंबर सूरह अल बकरा, इसके 178 और 179 दो आयतों की रोशनी में सीख सकता है। और भी बहुत सारे फैसला की आयत है इस कुरान की रोशनी में सीख सकता है अगर इंसान चाहे तो। अपने औलादों को अगर चाहते हैं कि कुछ बने तो उसे घर में कभी डांटना नहीं चाहिए। अगर बच्चे घर में कुछ तोड़फोड़ करें तो उसे समझाया जाए, उसको ना के डांटा जाए। बच्चों को बिल्कुल मारना ये सही नहीं। अगर आपने उनके साथ कठोरता किया और कठोर बर्ताव किया तो वो उनके सारी जिंदगी में आपके खिलाफ दुश्मनी बैठ जाएगा। ना बच्चों के साथ वालदैन खराब बर्ताव करें, ना असातिज़ा बच्चों को डांटे या किसी किस्म के सजा उनको दे, कभी भी ना दे। हर किस्म के सजा देने से गुरेज करें। कभी कभार असातिज़ा बच्चों को हाथ ऊपर करके या मुर्गा बनाकर या छड़ी से मार कर तालीम देते हैं। इस तरह वालदैन घरों में भी करते हैं। एक मासूम बच्चे के लिए उससे खराबी और कुछ नहीं हो सकता कि आप उसको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ खड़े कर ऊपर करके उनको मुर्गा बना के रखे हैं। सही नहीं है ये सब। और यही वजह है कि बच्चे ख़त्म हो जाता है। आप वालदैन हो या असातिज़ा हो, किसी बच्चे को मारने का या सजा देने का हक आपको नहीं। बच्चे अल्लाह का देन है, वो आपको इसलिए दिया है ताकि आप उनको संवारें, उनको सही तालीम दें। आपको तो अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उन्होंने आपको औलाद दिया है। जिनके औलाद नहीं है उनसे पूछे कि औलाद ना होने का तकलीफ क्या है, और अल्लाह ने आपको दिया है और आप उसको डपट रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बरसगीर के मुख्तलिफ शहरों में देखा है जिनको औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए रोते हैं, तरसते हैं। किसी बच्चे को होमवर्क के लिए भी आप नहीं डांट सकते कि वो होमवर्क सही कर नहीं पा रहा है। मैं तो यकीन से कहता हूं कि जो तालीम इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस में दिए जाते हैं और इस जमाने में सीख रहे हैं वो कुछ काम के नहीं। ये बात मैं हजार दफा कह चुका हूं, हजारों लोगों के सामने कह चुका हूं। मैं स्टाम्प पे लिख कर दे सकता हूँ, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या कला और आर्ट के कॉलेज में जो तालीम आपके बच्चे ले रहे हैं
वो जिंदगी में कुछ भी काम आने का ही नहीं, और खासकर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में जो कुछ तालीम सिखाया जाता है, नंबरों से अगर आप तालीम, नंबरों के लिए अगर तालीम देते हैं और सिर्फ अपने बच्चा को आप बड़ा बनाना चाहते हैं और स्कूल और कॉलेजेस में एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, वो पढ़ते हैं घर आते हैं इसी तरह डिग्रियां लेके परदेस चले जाते हैं, तो ये क्या तालीम है? अगर हम पिछले ज़माने के जो तारीख़ है बरसगीर के थोड़ा देखें तो इनको हम देख सकते हैं कि वो लोग इस किस्म के तालीमात लेते थे कि कुछ करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, अपने आप अपने बच्चों को ये जो फंक्शनल नॉलेज है ज़रूर सिखाएं। ये तालीम और ज्ञान स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिलता। आप कभी भी फख्र मत करें कि आपके बच्चे 98 नंबर लेकर या 100 नंबर लेकर पास हुए हैं, ये फख्र की बात नहीं है। आपके बच्चे ए प्लस लिया है या फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, ये भी फख्र की बात नहीं। आपको जानना ज़रूरी है कि ये तमाम पढ़ाई अपने बच्चों को इसलिए दे ताकि वो दुनिया में कुछ बने। बच्चों को तोता की तरह अगर आप रटाकर इम्तिहान लेकर उनको ए प्लस दे दे, 100 नंबर दे दे, तो ये तो उसकी जिंदगी के लिए कामयाबी कुछ नहीं। आपकी बच्चा अगर किसी चीज को तो तोता की तरह रट कर क्लास में जाकर उसी की इम्तिहान देकर ए प्लस लेता है, तो उसमें फख्र की क्या बात है? वो तो तोता की तरह रटा है। रट्टू तोता और रोबोट होने से क्या फायदा है इस दुनिया में? उससे उसका दिमाग का विकास कभी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं और इतने सब्जेक्ट देने का मतलब क्या है? अगर आपके बच्चा को आप डॉक्टर या हकीम बनाना चाहें तो सिर्फ हिकमत पढ़ाए, डॉक्टर्स की किताबें पढ़ाए, लेकिन सब सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं। आज भी देश में लाखों बच्चे कॉलेजेस के डिग्रियां लेकर नौकरियों से महरूम है। मेरे छोटे भाई खुद डॉक्टर है लेकिन नौकरी नहीं मिला, और नौकरी का जो उम्र है वो भी खत्म हो चुका है। अगर यही बच्चों को दरख्तों का, जमीनों का, हैचरियों का, गारमेंट्स का और सेहत का तालीम दे दिया जाता तो वो रोजगारों के लिए अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता। मैकेनिकल का, नाई का, तात का, मोची का, जाल से मछली शिकार करने का, हल चलाने का, फसल बोने का तालीम आज समाज में नहीं है। परिंदों का तालीम, भेड़ बकरी, गाय भैंस का तालीम, जंगलों का तालीम सीख कर एक बच्चा समाज को कुछ दे सकता है, मगर हर एक शख्स यही चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा पायलट बन जाए। क्या बाकी तमाम काम कौन करेगा? स्कूल और कॉलेज का तालीम में अगर पैसा खर्च होता है तो वो तालीम बेकार है। पहले जमाने में क्या होता था? नस्ल दर नस्ल लोग सीखते थे, मुफ्त सीखते थे, और आज तालीम के पीछे जो पैसे लगाए जाते हैं उससे पता चलता है कि एक बाप जो है अपने एक बच्चा का खर्चा नहीं चला सकता। नंबरों के लिए या बच्चों को प्राइवेट इदारों में ज्यादा खर्च करके गले में टाई पहनाकर भेजने से परहेज करना चाहिए।
पाक भारत और बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चे खुदकशी कर लेते हैं ज्यादा नंबर ना पाने की वजह से, ज्यादा नंबर ना मिलने की वजह से, और वालदैन के डांट पड़ती है। बहुत सारे बच्चे बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में खुदकश कर लेते हैं इसलिए कि नंबर कम मिला। अगर हम दुनिया के जहां के लोगों को देखते हैं तो वो ज्यादा पढ़े हुए नहीं होते। बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखते हैं, अगर न्यूटन को देखे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखे, काजी नजरुल को देखे, माइकल मधुसूदन को देखे, मौलाना अब्दुल हामिद खान भाषानी को देखे, लेकिन ये लोग कम पढ़े हुए थे। आज इनके नाम पे पीएचडी कराया जाता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं। बात बात पर बच्चों को चूप करवाना बहुत घनावनी बात है। ये जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखा, इनको थोड़ा सा सोचें कि ये बातें सही है या गलत। जमीन के काम करने के लिए आपके और हमारे बच्चे तैयार नहीं। आप अपने बच्चों को ट्रैक्टर्स दे, जमीन दे, वो जमीन से सोना निकाल के देगा आपको। दरख्तों का इल्म उनको आना चाहिए, फल से भर देगा आपके घर को। अगर आपके बच्चे परदेश जाता है तो उसको नाई का काम सिखाए, वो पैसा लाके भर देगा। अगर आपके बच्चे पानी से शगफ रखता है तो उसको मछली शिकार करने का हर चीज मुहैया करे, घर में मछली लाके भर देगा। परिंदों का तालीम दे दे, भेड़ बकरियां और गाय भैंसे, ये सब तालीम दे ताकि आपके घर दूध से गोश्त से भरे रहे। समाज को ये लोग कुछ दे सकते हैं, और डॉक्टर्स और इंजीनियर अगर आप बनाते हैं तो वो समाज को क्या देते हैं? और हर घर में डॉक्टर्स और इंजीनियर बन जाए तो क्या फायदा? अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत करे कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अल्लाह के नाम पे तालीम दें, अल्लाह की किताब को सिखाएं, और ज़रूरियात ज़िंदगी हुसूल के लिए जो जो तालीम देना है वो दे। मगर हर एक ये ना चाहे कि बच्चा इंजीनियर बने, पायलट बने, और बच्चा जो है डॉक्टर्स बने। नहीं, ये गलत ख्यालात है। और फर्स्ट क्लास अगर ना पा लेते हो तो हम उसको डांटे, नहीं। ए प्लस अगर नहीं ला पाता तो आप उसको समझाएं। आप अपनी समझ को बच्चे के जहन में नहीं डालें कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस तरह पढ़ना है, तुम्हें इस तरह सोना है, इस तरह चलना है। नहीं, आज़ादी दे। आज़ादी में बच्चा जो है उसका विकास होगा और वो तालीम हासिल करेगा और आपके लिए मुस्तकबिल के रोशन बनेगा।